नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। जम्मू के जनरल बस स्टैंड से आज 7 किलो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है। बहुत बड़ी लीड है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, खासतौर पर जम्मू पुलिस के लिए। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों में 2 आतंकी जो जम्मू के सराउंडिंग में ही पकड़े गए हैं, उन्हीं की टिप के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लोसिव मिला है। और साफ तौर पर भीड़ भाड़ वाला जो जम्मू का जनरल बस स्टैंड है, यहाँ पर पहले भी कई ग्रेनेड धमाके हो चुके हैं। और आज जिस तरह से 14 फरवरी है, पुलवामा जो CRPF कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, उसकी सेकंड कहें कि दूसरा साल है उसको। और कहीं ना कहीं आतंकियों की यही साजिश थी कि दोबारा से जम्मू रीजन को दहलाया जाए। और लगातार जो टिप सिक्योरिटी एजेंसी को थी, चाहे वो कश्मीर पुलिस की बात करें या जम्मू पुलिस की बात करें, प्रॉपर टिप के अकॉर्डिंग जो है आतंकी जो है पकड़े गए हैं। कल जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि जहूर अहमद राथर, जो कि टॉप टेररिस्ट था द रेजिस्टेंट फ्रंट का, उसको पकड़ा गया डिस्ट्रिक्ट सांबा बड़ी ब्राह्मणा तेली बस्ती से। और उससे ही पूछताछ के अकॉर्डिंग ये थोड़ा पुलिस को मिला कि यहाँ पर ये इस तरह का एक्सप्लोजिव जो है वो बरामद हो सकता है। उसके तहत पुलिस ने तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करते हुए ये एक्सप्लोजिव जो है इसे बरामद किया है। और उसके अलावा 6 फरवरी, इससे पहले 6 फरवरी को लश्कर ए मुस्तफा का जो चीफ कमांडर था हिदायतुल्ला मलिक उर्फ हसनैन जो है, उसे भी पकड़ा गया था। वो UP नंबर गाड़ी से अपनी एक महिला साथी के साथ टुवर्ड्स बाईपास कुंजवानी से निकल रहा था, और वहीं पर गंग्याल पुलिस ने उसे धर दबोचा था और असला भी उससे मिला था। तो ये दोनों आतंकी, चाहे वो लश्कर ए मुस्तफा हो या फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, इन दोनों के पकड़े जाने से काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिव इन्फॉर्मेशन हैं वो पुलिस के पास आई हैं साफ तौर पर। और जैसे कि यहाँ बस स्टैंड की सिचुएशन बिल्कुल इस समय सामान्य है, लोग अपने गंतव्य के लिए बसेस यहाँ पकड़ डिटेक्ट करने का जो ऑपरेशन है वो भी BSF ने लॉन्च किया हुआ है। उसके तहत कई सारी टनल्स जो हैं पिछले कुछ समय में मिली हैं। और अगर हम बात करें, ये जो दो, चाहे वो हिदायतुल्ला मलिक है जो कि लश्कर ए मुस्तफ़ा का कमांडर है, उसे पकड़ा गया, उससे भी काफ़ी ज़्यादा टिप मिले। और कल जिस तरह से जहूर अहमद राथर जो है, उसे द रेजिस्टेंस फ्रंट का जो, उसे पकड़ा गया, उससे रूट्स की यहाँ पर खड़ी हैं, लोग आ जा भी रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र, चाहे वो बस स्टैंड का जितना भी इलाका हो, BC रोड हो, गुम्मट हो, जीवल चौक हो, डोगरा चौक हो या फिर इंदिरा चौक हो, तमाम जितने भी सराउंडिंग में एरियाज़ हैं, पुलिस ने यहाँ पर नाकाबंदी तेज़ कर दी है। तमाम पुलिसकर्मी हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है चेक कर रहे हैं, और जिस पे भी थोड़ा सा भी शक हुआ गाड़ी को रोक के उसे प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। प्रॉपर इनपुट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई थी। साफ तौर पे ये एक बड़ी कामयाबी भी हम कह सकते हैं। और जम्मू का जनरल बस स्टैंड हमेशा से ही टारगेट रहता है, और साफ तौर पे इसके साथ ही अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की, उसकी भी सुरक्षा कड़ी की गई है, और एयरपोर्ट के सराउंडिंग की भी सुरक्षा कड़ी की गई है। आज 14 फरवरी पूरा देश जो है वो पुलवामा में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। और जिस तरह से उसके बाद भारत ने जो लगातार पाकिस्तान पे, चाहे वो अगर हम बात करें उनका हुक्का पानी बंद करना हो, पाकिस्तान के अंदर घुस के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो करना हो, उन पर पाकिस्तान पर कार्रवाई की थी, तो कहीं ना कहीं उसकी भी बौखलाहट लगातार आतंकी तंजीमों है। और जिस तरह से कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय से लगातार जो सिनेरियो बदला है, वहाँ पर जो आतंकी और जो पत्थरबाजी होती थी उसमें कमी आई है, आतंकी पकड़े गए हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। और खासतौर पर जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू रीजन में कई आतंकियों को पकड़ा जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, इंडियन आर्मी हो, तमाम एजेंसियों के लिए। और ये जॉइंटली एफर्ट सभी का है कि इस तरह के टिप्स जो हैं वो लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं, और उसके तहत उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। हालांकि जो पुलिस के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि आगे और भी जो मटेरियल है वो आतंकियों से मिल सकता है, और उनके रडार पे कई सारे जो स्लीपर जो सेल्स जो हैं, स्लीपर आतंकी हैं जो उनके OGWs हैं, वो टारगेट पर हैं। आने वाले समय पर उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और कोई भी ऐसा शख्स जो कि देश के खिलाफ और जम्मू कश्मीर में आतंक की जो गतिविधियां हैं उसमें मुलफ़िस पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उनकी धरपकड़ करेंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका खात्मा भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज ये बड़ी कामयाबी है, 14 फरवरी पुलवामा अटैक का दूसरा साल, और जम्मू के जनरल बस स्टैंड से 7 किलो जो IED मिलना, ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो आतंकी, चाहे वो जहूर अहमद राथर है या फिर अगर हम बात करें इससे पहले पकड़ा गया आतंकी जो मुस्तफ़ा वो है, उससे भी कहीं ना कहीं लीड और मिलना
जो है वो पॉसिबली इस समय समझा जा रहा है। वीडियो निपम शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, जनरल बस स्टैंड, जम्मू।